इवनिंग आज हम लोग एक नया ओएस के बारे में देखेंगे जो चाइना ओएस है। बहुत इजीली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं ये बूटेबल पेन ड्राइव कैसे करना वो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मैं तो सिस्टम अभी ऑन करी और इसक कंटिन्यूस मैं क्लिक करी। कंटिन्यूस क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देगी। यहाँ पर F1, F2, F9, F10, F11, F12 एंटर है और डिटेल्स है, स्टार्टअप मेन्यू है। तो अगर आप लोग F9 को क्लिक करना होगा, F9 को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बूट ऑप्शन मेन्यू आ गया। USB हार्ड ड्राइव में सैंड डिस्क में करी। आप लोग ऑलरेडी मेरा बूटेबल पेन ड्राइव का चाइना वाइज बूटेबल पेन ड्राइव का देखे तो आप लोग देख सकते हैं मेरा 16 GB का सैंड डिस्क में सेलेक्ट करी और मैं उस पे बूटेबल करी। तो यहाँ पर सैंडिस्क जो मैं करी वो ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो मैं चाइनीज ISO फाइल को मेरा सिस्टम में मैं इंस्टॉल कर चुकी थी वही वहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स ऐसे ही आ जाएगी जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स वैसे ही आ जाएगी। और देखिए नेक्स्ट चेना ओएस मेरा सिस्टम में इंस्टॉल हो रही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेना ओएस डिजाइन कैसा है और इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करिए। आप लोगों की सिस्टम में भी आप लोग चेना ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बूटेबल कर चुकी थी, पहले पेन ड्राइव में बूटेबल कर चुकी थी, वो प्रोसेस दूसरा वीडियो में मैं दिखाई। अभी जो है मेरा पेन ड्राइव से मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। मेरा लैपटॉप में मैं जो चाइना ओएस है वो मैं इंस्टॉल कर रही। देखिए यहाँ पर आ गया, लैंग्वेजेस आ गया। लैंग्वेजेस आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, आप लोगों को कौन सा कंफर्टेबल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो इंग्लिश ही यूज करूंगी, इंग्लिश पे क्लिक करिए। और ये ट्राई उबंटू क्लीन है वो अपडेट के लिए है, इंस्टॉल उबंटू क्लीन है वो इंस्टॉलेशन के लिए है। चाइना ओएस इंस्टॉल के लिए ये सेकंड ऑप्शन क्लिक करिए। और यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करना, कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना। कीबोर्ड लेआउट में इंग्लिश यूएसई सेलेक्ट करूंगी। कंटिन्यू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर है, मिनिमल इंस्टॉलेशन है, डाउनलोड ऑप्शन वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू क्लीन है। तो मैं क्या करूंगी, मिनिमल इंस्टॉलेशन को जाऊंगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू क्लीन है, पर मैं वो डिसलेक्ट कर दूंगी। मुझे मिनिमल इंस्टॉलेशन इजीली फास्टली मुझे चाहिए, तो मैं मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करी। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है पर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इंस्टॉल टाइप आ गया, इंस्टॉल उबंटू क्लीन अलोंग साइड विंडोज बूट मैनेजर है, तो वो ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है, एरेस डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू क्लीन है और समथिंग एल्स है। यहाँ पर वार्निंग भी आया, अगर आप लोग एरेस डिस्क को सेलेक्ट करें तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पूरा डिलीट हो जाएगी। तो मैं इंस्टॉल उबंटू क्लीन अलोंग साइड विंडोज बूट मैनेजर मैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर चुकी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट प्रीवियस चेंजेस टू डिस्क एंड कंटिन्यू। तो मैं डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी क्योंकि
यू कैनॉट अंडर दिस ऑपरेशन, प्लीज नोट दैट रिसाइज ऑपरेशन में टेक ए लॉन्ग टाइम, तो इतना टाइम तो नहीं लेंगे, इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगी। इंस्टॉल विंडो क्लीन अलॉन्ग साइड विंडोज बूट मैनेजर है यहाँ पर, आप लोग एलोकेट ड्राइव स्पेस बाय ड्रैगिंग है, तो मैं उबंटू क्लीन 121.1 जीबी का है सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर चुकी। और हु आर यू, यहाँ पर आप लोगों का नाम देना होगा, तो इंस्टॉल पे आप लोग आपका नाम जो भी है वो नाम या निकनेम कुछ भी दीजिए, कंप्यूटर नेम है, पिक ए यूजर नेम है, चूज ए पासवर्ड है, कंफर्म योर पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पर मैं नाम दे चुकी और नीचे भी मैं नाम दे चुकी और यूजर नेम देना होगा, इसलिए मैं यूजर नेम भी दी। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग लगाना, मैं अभी पासवर्ड टाइप कर रही। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं वीक पासवर्ड आ गया, तो कंफर्म योर पासवर्ड। तो ये वीक पासवर्ड दिखा दे रही, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंशन करूंगी अभी इसको। Almost finished copying files, new desktop environment, brand new design, more conscious and easy to use. Almost finished copying आ गया, but थोड़ा time दिखा रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा time तो लेगी। कोई भी OS, कोई भी आप installation करिए, थोड़ा timing तो है, time तो लगता, तो थोड़ा time लगेगी यहाँ पर। आप लोग मेरे, मैं ऑलरेडी इंडियन ओएस का कर चुकी, गरुड़ा लिनक्स का, वो भी वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। और मैं ये चाइनीज बूटेबल पेन ड्राइव कर चुकी, वो भी एक बार वीडियो चेक कर लीजिए। अगर आपका कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते, मैं वो भी वीडियोस कर सकती। UK UI control center, more accurate classification, more convenient operation and more conscientious interface आ गया, settings आ गया यहाँ पर, almost finished copying files आ गया, यहाँ पर settings option भी दिखा दे रही। तो मेरा तो Chinese install हो गया, Chinese OS मेरा laptop में almost install के लिए हो गया। तो जस्ट यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट, यू नीड टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज न्यू इंस्टॉलेशन। तो ये यूज करने के लिए आप लोग जस्ट आपका सिस्टम को आप लोग रिस्टार्ट करना होगा। कंप्लीट आपका चाइनीज जो है OS वो इंस्टॉल हो गई। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप लोग फॉलो करें तो आपको भी वो चाइनीज इंस्टॉलेशन आ जाएगी। होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।